छोड़ा बच्चा है क्या तू? तू मेडिकल स्टूडेंट है और ये काम कर रहा है? नहीं जी, इसको 8 दिलाएंगे हम। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, नहा धो के रेडी, दुकान पे चलते हैं। और आज दोबारा गाड़ी लेके जानी पड़ेगी क्योंकि कल मैं लेके गया था फ्लेक्स के लिए, फ्लेक्स लिया है। बट उसके बाद क्या हुआ कि मुझे इंश्योरेंस के लिए जाना था, तो इंश्योरेंस के लिए जा ही नहीं पाया, टाइम ही लगा। तो अब क्या है, सबसे पहले दुकान पर जाना है। और सबसे पहला काम है गाड़ी पर क्या हुआ कि पेंट के छींटे लग गए पीछे। पहले तो वो रबिंग करवानी पड़ेगी, वो भी कल नहीं करवा पाया, वो करवानी पड़ेगी। फिर उसके बाद सर्विस दे के आएंगे, सर्विस दे के आने के बाद साथ साथ इंश्योरेंस भी करवाना है और फिर वापसी दुकान पे आऊँगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं। बाकी आज तो ये लगा लो सुबह से ही ट्रैफिक चालू हो गया, शीतला माता मंदिर रोड पे अभी से ट्रैफिक चालू है। तो चलो पहुँचते हैं जल्दी से शॉप पे, लेट्स गो। तो गाइस, अपनी गाड़ी हो गई है, पॉलिश वगैरह बढ़िया। ये भाई छत पे चढ़ा हुआ है, कोई ए टू जेड कर देगा सब। तो गाइज, ये लगा लो कि सुबह से मैं जब दुकान पे पहुंचा था उसके बाद अब टाइम मिला है वीडियो भी बनाने का। और ये लगा लो कि खाना भी नहीं खाने है आज। टाइम देखो, टाइम हो रहा है लगभग 6:30 बज रहे हैं, 6:30 बजे, 6:30 नहीं, 6:20 हो रहे हैं। अब मैं घर पहुंचाऊँ क्योंकि सुबह से काम में लगा हुआ था, एक जगह जाना था, वहाँ गया, वहाँ से आया, मैं कहा सोचो खाना खाने चलो। फिर एक बंदे का और ऑर्डर आ गया तो उसके लिए अर्जेंटली मुझे निकलना पड़ा, फिर ना लंच कर पाया ना कुछ। तो अब जाके आया हूँ, अब तो मैं लंच का टाइम क्या ही रहा है। तो अब चाय पियेंगे साथ में, फैन और नमकीन, बस इसी से गुजारा करना पड़ेगा। गुजारा मतलब कि अब चाय का तो टाइम रहा ही नहीं, अब तो यही खा लेता हूँ। अब थोड़ी देर दुकान पर, अभी तो राजकुमार भैया बैठे हैं, भैया निकल जाएंगे 7 बजे, फिर दुकान पर जाऊँगा, 1.5 घंटा संभालूंगा, फिर आके खाना ही खाएंगे डायरेक्ट। तो अभी तो चाय पीते हैं। ये भैया के टाट पे छिड़कने वाले देखना चाहता पहले ही कम माइनस में चले बोरिंग दिन खराब था आज लग रहा है मुझे। बट ये है कि बना दिया ये लगा, आज तो पूरी मार्केट ही ठंडी पड़ी है बिल्कुल। तो भाई आज सुबह तो काम आया नहीं, फिर आया, फिर काबू में नहीं आया भैया। तो 2-3 जगह जा जाके लेके आए हम पार्ट, फिर दिए। और ऊपर से आज सुबह एक किसी से हमारी कहा सुनी भी होगी भैया और मेरी, सुबह थोड़ी इसकी टेंशन थी, मतलब फिर धीरे धीरे सब वक्त के साथ चल ही जाता है, वक्त गुजरता गया। तो घर ले जा रहा है, कैसे घर ले जा रहा है। तो गाइज, आज अपने साथ है शुभम भैया जो कि बहुत बिजी रहने लगे हैं। वो एक्चुअली डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। शुभम ने मेडिकल ले ली है 11th में, और इस वजह से वो बिजी हो चुके हैं, ना मेरे वीडियो में आते, कभी मैं बुलाता रह जाता हूँ। ही इज़ सो बिजी मैन, इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग मेडिकल क्वेश्चंस यू कैन चेक। नहीं नहीं, देर से अच्छा, अगर मेडिकल से अच्छा हिंदी बोलता हूँ, समझ नहीं आया, ज़्यादा हो गई नहीं, आप थोड़ा एक्सेंट, अच्छा एक्सेंट काबू में नहीं आया। मेडिकल से रिलेटेड कोई भी काम हो तो शुभम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई सवाल जवाब। कौन कौन से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी याद नहीं, देख रहे हो सब्जेक्ट क्या, मेडिकल में बायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों IPCM। तो मेडिकल में और क्या होंगे, मतलब फिजिक्स तो उसमें नहीं आती, नॉन मेडिकल दोनों। तो गाइस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ भी है। तो इन तीनों से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो शुभम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये 10वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, उनको तो पढ़ा ही सकता है, 10वीं के बच्चों को। तेरा नंबर लिख दो उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, अगर सुन नहीं करता है प्राइवेट नंबर से हम कांटेक्ट भैया। हाँ, मेरे से कांटेक्ट कर लेना कोई भी सवाल हो, तो शुभम से कनेक्ट हो जाएगा। तो शुभम वीडियो बनाने चले गाड़ी में, गाड़ी में अभी नहीं, मतलब कल परसों, कब फ्री हो, अपॉइंटमेंट लेना, दिवाली की छुट्टियों में, छुट्टियों में जाएंगे। हाँ, तो गाइस दिवाली की छुट्टियों में शुभम को पकड़ेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे 3-4 इकट्ठी। तो शुभम फ्री रहना, एग्जाम खत्म,
पास पुस हो जाए अभी तो नवंबर में। अच्छा चलो ठीक है। तो गाइज वैसे मेडिकल की पढ़ाई है तो बड़ी हार्ड, मैंने तो कॉमर्स ली थी बस पास पास हुए थे। देख सच बताऊँ कॉमर्स भी पास पास होते हैं। हाँ एक अकाउंट बढ़िया थी उसमें थोड़े नंबर बढ़ गए थे, बाकी तो कॉमर्स सबसे ईजी होती है। नहीं सबसे ईजी होती है आर्ट्स, सबसे ईजी होती है टेम्पू चलाना। टेम्पू चलाना दसवीं के बाद टेम्पू चलाओ सबसे ईजी है, तुम भी चूज कर सकते हैं। तो गाइस ये देख लो ध्यान से देखो मुझे, काम करने की उम्र में ट्रैक्टर से खेला जा रहा है। मैं लाई हूँ ये ट्रैक्टर, ये संजू टेम्पू की बजाय मेरे साथ ट्रैक्टर चलाएगी। शुभम को वैसे दिलाना तो हमने टेम्पू था दसवीं के बाद। सिद्धू पाजी का ट्रैक्टर है, छेड़ छेड़ नहीं जाएंगे। ये देखो ये भी चलाने में एक्सपर्ट, खेल ले खेल ले। मैं दिखाती हूँ ये इसको, जिसने हमें ये बेचा वो कहता इसके ऊपर बेशक आप गाड़ी चढ़ा दो ये नहीं टूटेगा, ये इतना मजबूत है। सेक्टर 14 की तरफ जाते हुए गाइस अगर आपको लेना हो तो जरूर लेना। वो ऐसे कहेगा 200 रूपए पर एक कम में दे देगा, 200 रूपए कहेगा 250 में दे देगा। हाँ 250 रूपए बार्गेनिंग नाम की चीज ही नहीं आती। अगर मैं होता तो ये 100 या 150 रूपए का लेके आता 100%। तो गाइस ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं नहीं हम क्यों किसी का, ये मैंने पकड़ लिए फिर की ले रहे थे ये। तो नहीं उठा रहा है ये, कहीं उठा के तो नहीं लिया खाली। तो गाइस इसको टेस्ट करके जरूर देखना, आप भी अपनी गाड़ी चढ़ा के इससे देखना कि क्या ये टूट पाती है या नहीं। तो गाइस जैसे चाची चढ़ गई थी अभी, ये टेबल ही रख देते हैं गाइस। इस पे सिद्धू मूसे वाला भी बना हुआ है, सिद्धू अपने पाजी हैं जट दिलदानी मारा तेरा सिद्धू मूसे वाला। मैं इनको तो पसंद है, तेरे को पसंद ही नहीं है? मेरा तो फेवरेट संजू तेरा, मुझे भी पसंद है, गाने बढ़िया आते हैं उसके। ये शुभम देख लो ध्यान से देखो इस बंदे को, कमेंट्स आ जाएंगे अभी भी उसके अंदर। सिद्धू से बहुत उसके मैं फैन हूं, मैं भी फैन हूं सिद्धू को। अरे भैया रिटर्न गाने तो अभी ना सिद्धू के, अभी वो आगे रिलीज होंगे, रिलीज होंगे उसके फादर रिलीज करेंगे। पता है मैंने लिखे हैं, कितने सारे लिखे हुए हैं। अरे तू जान तुझसे पहले पता था उसका एक नाम है, उसका एक गाना आ भी गया था, एक गाना तो हां गा तो कोई भी लेगा पर लिखे हुए तो उसके ही है, नाम तो उसी का आएगा हर जगह। पैसे तो उसी को मिलेंगे, उसी के घर उसके फादर को। हाँ उसके फादर को। अरे एक पोस्ट डालेंगे उसके बाप इंस्टा पे लाखों कमा लेगा, यूं लाखों करोड़ों जो भी है कमा लेगा। तुझे चाहिए कुछ पैसे? चले क्या क्या है, चलो एक दिन सिद्धू मूसे वाले की वीडियो बनाने चलते हैं। रख दो प्लीज, हम भी चल सुबह में एक गाना बना ले बस एक, चलो दो रख दो, अरे चलो पांच रख दो। गाइस ये देख के लाना इसका, ये तो मोड़ा हुआ है, अरे ये तो मोड़ रहा है। शुभम हम भी गाना, क्या अकल है फैन की। शुभम सौरभ जोशी भी गाने रिलीज करता है ना, भाई भाई और हम भी बना दे, भाई बहन ताई ताऊ चाचा चाची दादा दादी दादा दादी ऐसा होता है। ये शुभम छोटा बच्चा है क्या, छोटा बच्चा है क्या, हरकतें कर रही है शुभम, छोड़ा बच्चा है क्या तू, तू मेडिकल स्टूडेंट है और ये काम कर रहा है। नहीं फिर इसको आर्ट दिलाएंगे हम। तो गाइस ये देख लो, अब इसको आर्ट दिलाएंगे हम, इसके पास जाने। शुभम क्या कह रहे हैं, आर्ट अफवाहें हैं, अफवाहें हैं, ध्यान मत दो। तो गाइस बैटरी डाउन, लेट्स गो टू द स्लीप, नींद आ रही है बहुत तेज। तो आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।